सही, मैंने पहला तो बहुत लगाया था वो। तुमसे कहा था उसे कुछ नहीं होना चाहिए जाफर, फिर कैसे? सही, आप पर हमले की वजह से मुझे कुछ कुछ याद ही नहीं रहा, और ये सब कुछ सही एक ही रात में हो गया। सही जाफर, तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूं, जानते हो ना ये बात? आप पर मेरी 100 जाने कुर्बान। से गलती तो मुझसे हुई है सर, और बहुत बड़ी गलती हुई है सर। जाफर चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। अब तो रिलैक्स हो ना जी। आप सब लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा, थैंक यू। कैसी गैरू जैसी बातें कर रही हो तुम, कुछ ही घंटों में हमारे बहुत नजदीक आ गए। खैर ये बताओ जाना कहाँ है, ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा। मेरा कोई घर नहीं है। घर नहीं है मतलब कोई सगा नहीं है? तो रिश्तेदार तो होगा ना जिसके साथ रहती थी। मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। तो तुम कहाँ जाओगी? खूबसूरत हो, जवान हो, सड़कों पे किस तरह महफूज रहोगे? मैं भी यही सोच रही थी। खैर परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हारा कोई घर नहीं है तो मेरा घर है ना, यहाँ रहो, मेरी बेटियां भी रहती हैं, तुम भी यहाँ रहो मेरी बेटी बनके, यहां से कोई तुम्हें निकालेगा नहीं। आप कितने एहसान है मुझ पे, आपने मेरी इज्जत बचाई, मुझे अपने घर लेकर आई, इतनी इज्जत दी, इतना प्यार किया, मैं बहुत एहसानमंद हूँ आपकी। कैसी बातें कर रहे हो? नहीं वाकई मैं यहाँ रहूंगी तो मैं कोई जॉब ढूंढती रहूंगी, जॉब मिल जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, बोझ नहीं बनूंगी आप पे। लड़कियां हॉस्टल में भी तो रहती हैं ना? हाँ रहती हैं। भाई हमें तुम्हारी ये खुददारी ना बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई। मेरे सर्कल में एक दो बिजनेसमैन हैं अच्छे बड़े, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो उनसे बात की जाए तुम्हारी जॉब की। वाकई ऐसा हो सकता है तो प्लीज बात कीजिए ना। बस तो तुम समझो के हो गई तुम्हारी जॉब। रूमी ये तुम्हारा ही ड्रेस है ना? जी वही है। माशाल्लाह ये देखो भाई इतनी सादगी में भी क्या हुस्न, माशाल्लाह। बेटा लो ना। चलो जी, या प्लीज हैव समथिंग। माँ जहाँ पे का वलीमा है वहां अकेली होंगी, हमें से कोई भी नहीं गया उनकी खैरियत पूछने के लिए, न जाने उनके ससुराली क्या सोच रहे होंगे। तो आगे दुख में बेचारी फिजा की तरफ ध्यान ही नहीं गया।
इस घर की पहली शादी थी, कितनी अफसरदगी से रुखसत किया उसे, कितनी दुखी थी तुझे। लेकिन हम वलीमे में तो जाएंगे ना, हम दुआ के बगैर कुछ भी अब अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसमें आप ही का क्या कसूर है? ठीक कह रही हो तुम, इस बेचारी को भी अपने ससुराल वालों से न जाने क्या कुछ सुनना पड़ रहा होगा। आप अपने और अब्बा के कपड़े देते, मैं इस्त्री कर देती हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं असलम साहब? ठीक कह रहा हूँ मैं? पूरी दुनिया से मुंह छुपाता फिर रहा हूँ मैं, मुंह छुपाता फिर रहा हूँ, और तू कह रही दुनिया के सामने चला जाऊँ, सामना करूँ उनका? फिर हमारी सगी बेटी है, ऐसा कैसे कर सकते हैं उसके साथ? हाँ, तो बेटियों ने हमारा लिहाज किया, मुंह काला करवा दिया हमारा पूरी दुनिया में। दुआ के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उनका तो कोई कसूर नहीं है ना, इन्हें इल्जाम मत दें। सब तेरा कसूर है, सब तेरा कसूर है। अरे मैं तुझे कहता रहा बेटियां मत पैदा कर, मत पैदा कर बेटियां। आज बेटा होता ना तो ये दिन देखना नसीब होता मुझे, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को शौक चढ़ा हुआ है ना वलीमा अटेंड करने का, तो जाओ खुद चले जाओ, मैं नहीं आऊंगा। एक तो बिना बारात के रुखसत हो गई, और अगर आप ये चाह रहे हैं कि दूसरी भी शादी के अगले रोज उजड़कर यहां आ जाए तो ठीक है, एक काम क्यों नहीं करते आप, थोड़ा जहर हम दोनों को भी लाकर देने, ताकि एक ही दफा आपकी जान छूटे हम सब से। क्या ये तुम